हेलो डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, वी आर रिपीटिंग चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम एंड टुडे आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक फ्यूल. द फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोज्ड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरी डीप इन द अर्थ कर्स्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर अगो. कह रहे हैं जो फ्यूल है, जो फॉसिल फ्यूल है, वो किससे बनता है? डिकम्पोज करने से. और जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो कि काफ़ी डीप में अर्थ की क्रस्ट में जो है कई सालों तक रहते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो किस में चेंज हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल में. दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस. कह रहे हैं फिर क्या होते हैं उसके बाद, ये हमें किस रूप में मिलते हैं? ऑयल के फॉर्म में मिलेंगे, कोल के फॉर्म में मिलता है और नेचुरल गैस के फॉर्म में मिलता है. द अर्ली व्हीकल्स यूज स्टीम एनर्जी डेट वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बॉइलिंग वाटर. सो पहले जो व्हीकल्स थे वो क्या यूज़ करते थे? स्टीम एनर्जी यूज़ की जाती थी. वो किससे प्रोड्यूस होती थी? बॉयल वाटर से. ठीक है, बॉयल वाटर से क्या होता था, जो है स्टीम एनर्जी प्रोड्यूस होती थी जिससे कि व्हीकल्स चलते थे. देन फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड अदर पेट्रोल केम इन यूज़. फिर उसके बाद क्या हुआ, जो फॉसिल फ्यूल है लाइक कौन सा फ्यूल, कोल और लेटर पेट्रोल्स हैं कि वो यूज़ में आने लगे. दे आर नॉन रिन्यूएबल एज दे कैन नॉट बी यूज अगेन. सो ये क्या है, जो हमारे कोल है, पेट्रोल है, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज बोला जाता है, जिसको एक बार आप यूज़ कर लेते हैं तो आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. देयरफॉर इसलिए वी शुड यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, मोर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा. तो इसलिए जो है हमें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको यूज़ करना चाहिए. और वो कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा. ठीक, तो नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी हम क्या है, कोल, पेट्रोल, ठीक है, जो एक बार यूज़ हो गए फिर आप उसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते. बट ये बोल रहे हैं इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको बचा के रखना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्स एनर्जी के जो रिसोर्स होते हैं, और जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं एनर्जी के, उनको यूज़ करना चाहिए. We must conserve the use of fossil fuel, otherwise they will disappear from our earth. तो ये कह रहे हैं कि हमें जो है बचा के रखना चाहिए, कंजर्व मतलब सेव करके रखना चाहिए फॉसल फ्यूल को, अदरवाइज ऐसा होगा कि एक दिन ये अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे. कैसे ख़त्म होंगे? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो व्हीकल्स अब हम बहुत ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना, सब लोग जो है सबके पास अपनी बाइक है, स्कूटर है, कार है, तो उसको चलाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते हैं. ठीक है, ज़्यादा यूज़ होने पर क्या होगा, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगे. ख़त्म हो जाएंगे फिर जो है हमारे पास कुछ नहीं रहेगा. तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका यूज़ करना चाहिए. ओके, नाउ स्टोरी ऑफ पेट्रोल. अब हम स्टोरी है जो पेट्रोल की वो पढ़ेंगे. डीप वेल्स आर डग इन सर्टेन एरियाज ऑन अर्थ टू टेक आउट पेट्रोलियम ऑयल. कह रहे कि बहुत बड़े बड़े कुएं जो है किसी निश्चित एरिया में, अर्थ के निश्चित एरिया होते हैं, पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, तो उनको खोदा जाता है और वहाँ से क्या निकाला जाता है? पेट्रोलियम ऑयल निकाला जाता है. It contains a lot of impurity and
इज़ नोन एज क्रूड ऑयल। सो तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे इम्प्योरिटी होती है, मतलब ये प्योर नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह के जो इम्प्योरिटी वाले जो पेट्रोलियम ऑयल होता है, क्या बोलते हैं हम उसे, क्रूड ऑयल, राइट। इट इज़ सेंट बाई टैंकर्स टू द ऑयल रिफाइनरीज। उसके बाद जो क्रूड ऑयल होता है उसे बड़े बड़े टैंकर्स में भर कर कहाँ भेजा जाता है, रिफाइनरीज, जहाँ पर इसको रिफाइंड किया जाता है। इट इज़ प्रोसीडेड डेयर टू एक्सट्रैक्ट पेट्रोल। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जिस प्रोसीजर होता है वहाँ पर उसमें जो है उसमें से जो क्रूड ऑयल है उसमें से पेट्रोल को अलग कर जाता है, ठीक है। देन इट इज सप्लाइड टू पेट्रोल डिपोट्स बाय ट्रेन्स एंड टैंकर्स। उसके बाद जो पेट्रोल होता है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, टैंकर्स और ट्रेन के द्वारा उन्हें पेट्रोल डिपोट्स पर भेज दिया जाता है। फ्रॉम पेट्रोल डिपोट्स द पेट्रोल इज सप्लाइड टू पेट्रोल पंप्स बाय ऑयल टैंकर्स। उसके बाद पेट्रोल डिपोट्स होते हैं, वहाँ से इस पेट्रोल को कहाँ सप्लाई कर दिया जाता है, टैंकर्स के थ्रू। ऑयल टैंकर जो होते हैं ना, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े ऑयल टैंकर होते हैं, उसमें इसको पेट्रोल पंप्स पे भेज देते हैं। ऑल व्हीकल्स हैव इंजन्स है, बोले जितने भी व्हीकल्स हैं उनके क्या होते हैं, इंजन्स होते हैं। व्हेन वी पुट फ्यूल इन द व्हीकल्स द फ्यूल बर्न इनसाइड द इंजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी। जब हम इस फ्यूल को, जो फ्यूल होता है कि उसे यह ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो उसे जब हम व्हीकल्स में डालते हैं तो क्या होता है, जो इंजन होता है इनसाइड वो जलना शुरू करता है, और जलने के बाद क्या है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स द व्हीकल्स टू मूव, और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस में हेल्प करती है, व्हीकल्स को मूव करने में, यानी कि चलने में। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन, से कह रहे इंजन जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। टू रन अ डीजल कार वी नीड अ डीजल इंजन, अगर हमें कोई डीजल कार चलानी है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, डीजल इंजन की। एंड टू रन अ कार ऑन कंप्रेस नेचुरल गैस, और जो ये लिखे टू रन अ कार, अगर हमें कार चलाने के लिए किसकी ज़रूरत भी होती है, नेचुरल कंप्रेस्ड गैस की भी, वी हैव टू फिट अ सीएनजी किट इन द ईयर, और उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सीएनजी किट जो होता है कार के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं अलग अलग तरह के इंजन होते हैं, तो कई हमें क्या है, डीजल इंजन है, लेकिन जहाँ पर हमें जिस कार में जो है सीएनजी यूज़ होती है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी हैव टू फिट अ सीएनजी किट इन द कार, राइट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव सम एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज। कहते हैं जितने भी मीन्स पड़े हैं ट्रांसपोर्ट के, तो कुछ की जो होती है एडवांटेज होती है, और कुछ क्या होती है, डिसएडवांटेज भी होती है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। बट द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वॉकिंग एंड साइकिलिंग, पर सबसे बेस्ट जो मीन है ट्रांसपोर्ट का वो क्या है, वॉकिंग, पैदल चलना और साइकिलिंग। वाई, क्यों, बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड अपॉन फ्यूल एंड कीप अस फिट, क्योंकि ये जो है किसी फ्यूल पे डिपेंड नहीं रहते, ठीक है, और उससे क्या रहता है, हम फिट रहते हैं, फाइन। होप यू अंडरस्टैंड। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो आई विल टेक द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। व्हाट विल यू डू, यू विल रीड दिस पैराग्राफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।